सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। तो जैसा कि आपका यूपीएससी ईटी का एग्जाम होने वाला है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ये जो वीडियो है ये हम लेके आए हुए हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिसको सुन के आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, जिसको सुन के आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा है ना कि यूपीएससी ईटी में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसमें से 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका यूपीएससी ईटी में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो एक पहली बात हो गई जिसको सुन के आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए, जिसके सुन को आपको कॉन्फिडेंस में आना जाना चाहिए कि यूपीएससी ईटी में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें से 90% या फिर 92% या फिर 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी ईटी में हो जाता है, जिनको यूपीएससी ईटी में कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाता है और वो उस कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि आपके यूपीएससी ईटी में कोई भी आपका कोर्स हो उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ सीटों की संख्या कम नहीं होती है, उसमें बहुत होती है। तो जब बहुत होती है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मतलब ये भी एक पॉइंट है जिसको सुन के आपको कॉन्फिडेंस में आ जाना चाहिए, जिसको सुन के आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए कि जो आपका यूपीएससी ईटी का एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ कॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं आपके कोर्स के लिए। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपका यूपीएससी ईटी का एग्जाम होता है उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और इंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं आईआईटी से, एनआईटी से या फिर आपका एएमयू से या फिर और भी जो आपके इंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंडिया में या फिर यूपी में, अगर आप उसको इससे कंपेयर करते हैं ना, तो इसका जो कट ऑफ होता है वो औरों के मुकाबले बहुत कम होता है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 25% होता है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 20% होता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है, सबसे बड़ा पॉइंट, कि आपके यूपीएससी ईटी के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका कोई भी कोर्स हो ए टू जेड, आपका यूपीएससी ईटी में कोई भी कोर्स हो, किसी भी में भी आपने अप्लाई किया हुआ हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको सुन के, जिसको जान के आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस पे आ जाना चाहिए कि आपका इसमें सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आपके मजे ही मजे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आप जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप उसको करते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं उसको भी आपको मतलब करना होता है, उसको भी आप करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं उस पर तो मतलब उसका 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उतना नंबर तो आपको मिलते ही मिलते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिस पर आपने टुक्का मारा हुआ है, सिर्फ वैसे मतलब क्लिक करके ऑप्शन चूज करके आप चले आए हुए हैं, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं आपके। और आपको पता ही होगा कि जब किसी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसके हर एक क्वेश्चन को करके उसमें अच्छा नंबर लाना और अच्छे नंबर के थ्रू अच्छा रैंक बनना और अच्छे रैंक के थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके यूपीएससी ईटी में। जो आपका यूपीएससी ईटी का एग्जाम होता है वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आपके आईआईटी के, एनआईटी के, आपके एएमयू के, आपके पीएमटी के, इन सभी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम से कंपेयर करते हैं इसको, या फिर जो स्टेट लेवल के और भी एग्जाम होते हैं, बिहार का कोई एग्जाम हो गया या फिर महाराष्ट्र का कोई एग्जाम हो गया या फिर और स्टेट लेवल के जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनके कंपेरिजन में आपका यूपीएससी ईटी का एग्जाम बहुत ही ईजी होता है। वैसे एकदम भी ईजी नहीं होता है लेकिन उनके कंपेरिजन में ईजी होता है। इसमें मतलब तीन पार्ट में आप इसको मतलब डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट वो होगा कि जो कि मतलब इजी क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट वो होगा जो कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तीसरा पार्ट वो होगा जो कि मीडियम होगा, इजी और डिफिकल्ट के बीच का होगा। तो इसमें आप इजी और मीडियम वाले आराम से कर ले जाएंगे अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक से हुआ है तो। छठा पॉइंट है जिसको जान के आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए, जिसको जान के आपको कॉन्फिडेंस पे आ जाना चाहिए कि जो आपका इस बार यूपीएससी ईटी का एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो जब आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जा सकता है। कैसे? इस तरीके से कि इसमें आपकी टाइमिंग बचती है। मतलब इसमें दो आपके फायदे, बहुत मेन फायदे होते हैं ऑनलाइन एग्जाम के। पहला तो अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते तो जो क्वेश्चन आपने किया उसके बाद जो आंसर आपने लाया उसको ओएमआर आंसर शीट में आपको सर्कल करना होता था। सर्कल करने में कम से कम आपको पेन से उसको फिल करने में उस सर्कल को आपको कम से कम 5 सेकंड लगते थे। वहीं पे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है सिर्फ आप माउस से ले गए कर्सर को, उस ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, हो गया। इसमें सिर्फ 1 सेकंड का काम, उसमें 5 सेकंड का काम। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 सेकंड बचेंगे आपके इसमें। ये तो पहला फायदा हो गया ऑनलाइन एग्जाम का। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसमें आप ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम होता तो उसमें जो सर्कल आपने फिल कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। फिर अगर आप बदलेंगे भी तो वो क्वेश्चन, अगर दो ऑप्शन चूज कर लिए एक ही क्वेश्चन का तो फिर वो क्वेश्चन ही डिस्कार्ड हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन सही भी था तो भी उस पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। वहीं पे ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि इस पर आप मतलब ऑप्शन भी इधर उधर कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहली बार में आपने चूज किया
पचवें का सी, फिर आपको 5 मिनट के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं पचवें का डी ऑप्शन सही है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए एक कुछ से 5-6 पॉइंट हैं, 5-6 चीज़ें हैं जिसको जान के, जिनको सुन के, जिनको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपका UPSC ET का एग्जाम अच्छे से जा सकता है, उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और इसके थ्रू आप मतलब मोटिवेट हो जाइए, कॉन्फिडेंस में आ जाइए और जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए।